इंस्टाग्राम पे कुछ इस टाइप की जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है, सभी अपने अपने नाम के साथ क्रिएट कर रहे हैं। अगर आपको भी अपने नाम वाले वीडियो क्रिएट करना है, चलिए इस वीडियो में बताते हैं कि वन क्लिक में कैसे कर सकते हो। इसके जो प्रीसेट है वो भी मैं बता दूंगा कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सबसे पहले आप लाइट मोशन एप्लीकेशन ओपन करो और यहाँ पे ओपन करने के बाद से न्यू प्रोजेक्ट पर जाओ और न्यू प्रोजेक्ट पर जाने के बाद से यहाँ पे फुल स्क्रीन वाला रेशियो सेलेक्ट करो क्योंकि इसी तरह की रील वायरल हो रही है। उसके बाद से प्लस के ऑप्शन पे जाओ और ये वीडियो ऐड करो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाओ और यहाँ पे रोटेट वाले ऑप्शन पे जाकर इसको 90 डिग्री रोटेट कर लो जिससे कि ये सीधी हो जाए पूरी वीडियो। फिर थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक कर दो जिससे कि ये पूरी फुल स्क्रीन में आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे जो हमारी वीडियो है वो सेट हो गई है। अब यहाँ पे टेक्स्ट कहाँ पे लगाना है तो यहाँ पे 7.15 सेकंड पे जाना है और वहाँ पे आप प्लस के ऑप्शन पे जाना और उसके बाद से टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाकर यहाँ पे आपको अपना नाम टाइप करना है। जैसे मेरा नाम राजन है तो यहाँ पे मैंने राजन लिख लिया है। राजन लिखने के बाद से आपको कोई सा भी एक कलर सेलेक्ट करना है और उसके बाद से टिक करना है। मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके यहाँ पे आप इसके साइज को इंक्रीज करना और फिर यहाँ पे रोटेट वाले ऑप्शन पे जाके इसको 90 डिग्री रोटेट कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे इसको जो घास है उसके ऊपर सेट कर देना है सही से। अब यहाँ पे नाम जो है हमने सेट कर लिया, इसमें हमें कलर डालना है तो यहाँ पे कलर एंड फिल वाले ऑप्शन पे जाएंगे, जो स्टार वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है और ये एक बैकग्राउंड का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप इसको डाउनलोड करना, इसको ऐड करना। तो ये क्या करेगा, आपके टेक्स्ट के कलर को रिप्लेस करके ये वाला कलर आ जाएगा और ये बैकग्राउंड से काफी मैच भी करेगा। तो यहाँ पे इसको लगाना है, उसके बाद से इसको पूरा फिल कर देना है जैसे कि पूरा एंड तक। और उसके बाद से हमें अब क्या करना होगा, हमें अपनी जो फर्स्ट लेयर है उसकी एक डुप्लीकेट क्रिएट करनी होगी। उस पर क्लिक करेंगे और इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे, नहीं ये जो नीचे वाला ऑप्शन है यहाँ पर आपको डुप्लीकेट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है डुप्लीकेट लेयर और फिर क्या करना है इसको आपको शेयर ऊपर कर देना है। ऊपर कैसे करोगे, यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में जो थ्री लाइंस दिख रही है उस पर टैप करके रखोगे और फिर ऊपर की तरफ ले जाओ, ऊपर हो जाएगा। अब हमें इसको क्रोमा की मदद से सही से सेट करना है, तो हम कैसे सेट करेंगे, सिंपल से उस पर क्लिक करेंगे, इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, मेटामास्क की पे सेलेक्ट करना है और उसके बाद से यहाँ पे एडवांस क्रोमा की में जाना है, जो ग्रीन कलर है उस पर क्लिक करना है, यहाँ पे कलर पिकर से ऊपर वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट करो और यहाँ पे इसको टिक कर दो, ठीक है। फिर यहाँ पे कलर टू का ऑप्शन मिलेगा, उस पर जाना, ग्रीन कलर को सिलेक्ट करना और यहाँ पे राइट हैंड साइड वाले बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना। फिर कलर थ्री को भी ऑन करना, ग्रीन कलर पे क्लिक करके कलर पिकर पे जाके यहाँ पे नीचे वाला सेलेक्ट करना। अब जो हमारी वीडियो है वो फाइनल रेडी हो गई है, मैं यहाँ पे आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। जैसे देखो हमारी ये घास हट रही है उस टाइप से हमारी जो वीडियो है वो रेडी हो गई है और यहाँ पे एकदम बिल्कुल नेचुरल तरीके से, ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं से भी उठाकर इसको लगा दिया गया, बिल्कुल मस्त हमारी वीडियो रेडी हो गई है। इस तरह से आप भी अपनी वीडियो क्रिएट कर सकते हो और इसका XML प्रीसेट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना वहाँ से।